तो गाइस सुबह की आज बारिश के साथ शुरुआत हुई और बारिश एक्चुअली रात से ही हो रही थी। तो हम आ गए हैं माल रोड और यहाँ पे जो जगह घूमने की है हम दिखाते हैं आपको उन जगहों के बारे में। लेफ्ट टांग में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। कल रात को हम माल रोड की मार्केट तो घूम लिए थे और अब बसता है, तो अब घूमना है हमको जो दो तीन प्लेस हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो बारिश होने के कारण कुछ ऐसा हो गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो इसकी गुड मॉर्निंग हुई है अब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई बहुत टाइम की। कब हुई थी तेरी गुड मॉर्निंग? अभी यार कुछ खाया पिया ना है, बिना खाए पिए मतलब बिना खाए पिए गुड मॉर्निंग होती है क्या? गाइस बताइए, गुड मॉर्निंग बोल दो इनसे कुछ। मेरी YouTube मंडली कैसी है, क्या हाल है आप सबके? और यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तुम्हारे लिए कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आए। आज दिखाने वाले हैं हम कुछ बेहतरीन जगह हमारे साथ लाइफ ऑन वेपर। गाइस तो हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि कहीं भी घूमने से पहले हमको पेट पूजा तो करनी ही पड़ेगी। तो अभी चलेंगे हम, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस अपने आ गए हैं पराठे और गर्मा गर्म चाय, बस खाते हैं पराठे और निकलते हैं यहाँ से बाहर। ठीक गाइस, तो खाना हो गया कंप्लीट, मतलब ब्रेकफास्ट, अभी चाय चल रही है, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं बाहर। ब्रेकफास्ट हो गया था कंप्लीट और हम आ गए यहाँ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, इसके अंदर। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, हम दिखाएंगे आपको मोहाली के अंदर के खूबसूरत प्लेसेस। तो गाइस आप भी अगर मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ आइएगा यहाँ घूमने के लिए। बहुत खूबसूरत ये जगह है और बहुत ही शांति है यहाँ। सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो है शांति। इसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सब तरफ हिल्स हैं और ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये है सूरज मुखी के। और ये है मोनेस्ट्री। यहाँ के चलेंगे अंदर, कृपया अपने जूते सूरत नहीं रखें। तो गाइस मैं अपने चप्पल रखता हूँ यहाँ और यहाँ से चलते हैं अंदर। फोटोग्राफी फिर चार्ज लगेगा। हेलो मामो, 20 रुपये जूता निकाल के आ सकते हो और पैसे देना 20 रुपये। गाइस तो कभी भी आप जब मनाली घूमना है तो यहाँ ज़रूर आए। बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ और ये देखकर, ये जगह देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है।
सबसे खूबसूरत चीज़ जो है जो मुझे यहाँ लगी वो यहाँ की शांति है। अगर आपका भी मन शांत नहीं है तो प्लीज़ अब अगर आप मनाली आए हैं तो आप एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करें और आपको यकीनन बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। तो गाइस ओवरऑल ये ख़ूबसूरत प्लेस हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब चले गए हैं हम इसके बाहर। तो मेरी यूट्यूब मंडली, जैसे कि आपने देखा ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, आप अगर मनाली आते हैं तो यहाँ पर घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही प्यारा लगा यहाँ आके, मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह देखने को मिली। और अब हम चलते हैं कहीं दूसरी जगह, दिखाते हैं आपको दूसरी। कल रात को हम लोग घूम कर गए थे यहाँ, तब भी ये टैटू बनवाने के लिए बोल रहा था, इसको फिर से टैटू की दुकान दे गई, दिखाई दे गई, मतलब अब फिर से टैटू बनवा लेगा। लेकिन इस बार एक चेंजिंग हुई है, इस बार इसको खुद पर टैटू बनवाना है। लेकिन कहाँ बनवाएगा, जगह पर बनवाने की बोल रहा है। ये बात मैं काट दूंगा के लिए। काटने नहीं, जब भी मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ तो बोलता हूँ मैं काट दूंगा। तो नाइट में आपने यहाँ का व्यू देखा था और दिन में कुछ इस तरह का दिखता है। हडिंबा देवी टेम्पल।